आप सबों को जय यीशु। बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कुशल मंगल, स्वस्थ और सुरक्षित होंगी। तो आइए हम कैटेकिज्म क्लास शुरू करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें अपनी बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य से भर दे। तो एक पल के लिए अपनी आँखों को बंद करें और अपनी हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया है। हे प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति हम सबों पर भेज दीजिए, ताकि आज जो भी पढ़ाई करने जा रहे हैं आपके बारे में और आपके किए हुए कार्यों के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम आपका आपको अनुभव कर सकें और अपने जीवन में भी लागू कर सकें अपने अपने छोटे कार्यों के द्वारा। हे प्रभु, आप हमारे साथ रहिए, ताकि हम आपके वचनों को और आपके कार्यों को और आपके द्वारा सिखाए गए सभी नियमों को पालन कर सकें और लोगों के बीच एक नमूना प्रस्तुत कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 15। प्रभु यीशु ने बहिष्कृत लोगों से प्रेम किया। हमारा पाठ्य पुस्तक है विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 4, प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शक। तो आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 57, 58 और 59 में, 57, 58, 59 में। तो आप लोगों को एक कहानी बताने जा रही हूँ, तो आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु ने बहिष्कृत लोगों से प्रेम किया। मिस सुशीला विजयनगर के एक सरकारी विद्यालय में एक नई अध्यापिका नियुक्त की गई और वह स्वभाव से प्रेमी थी, इसलिए विद्यार्थियों के प्रति बहुत ही उदार थी। संगीता उनकी एक छात्रा थी, वह पोलियो की शिकार हो गई थी, पोलियो की बीमारी हो गई थी। इसकी वजह से उसकी माँ पिछले 2 वर्षों से उसे रोज विद्यालय पहुँचाया करती थी, स्कूल लेके आती थी। उसकी माँ के साथ संगीता स्कूल आती थी। मिस सुशीला संगीता के प्रति बहुत ही उदार थी, सहानुभूति दिखाती थी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि ये उनका कर्तव्य है कि वे संगीता की मदद करें। बच्चों की कर्तव्य है कि वे संगीता जो छात्र है उसकी मदद करें। तो इसलिए विद्यार्थियों ने यह निर्णय किया कि वे संगीता के लिए एक व्हीलचेयर खरीद कर देंगे। तो उन्होंने चंदा जमा करके एक व्हीलचेयर खरीदा और संगीता को गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दिया। वह बहुत ही खुश हो गई और उस दिन से संगीता अपनी माँ की मदद के बिना विद्यालय आने लगी। उसने अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से की। उसने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने उसकी मदद की। जो संगीता उसकी माँ की मदद से स्कूल आया करती थी, लेकिन जब विद्यार्थियों ने व्हीलचेयर खरीद कर दिया तो संगीता बिना किसी मदद का स्कूल आती थी और वह अच्छे नंबरों से पास भी हो गई। तो बच्चों, विद्यालय आने के लिए संगीता को उसकी माँ की मदद क्यों जरूरी थी? क्योंकि वह उसके पास व्हीलचेयर नहीं थी। और अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से यह अनुरोध किया कि वे एक व्हीलचेयर खरीद कर, चंदा जमा करके व्हीलचेयर खरीद कर दे दें। और विद्यार्थियों ने व्हीलचेयर गिफ्ट के रूप में देकर संगीता की मदद की। तो हम दुखियों की मदद कैसे करते हैं?
हम करते हैं क्या? हाँ, जरूर हमें करना है। जब लोग दुख में हैं, पीड़ा में हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो हमें दुखी लोगों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि आगे आकर उनकी मदद करना है। और इसी बात पर जोर देते हुए प्रभु येसु ने एक दृष्टांत भी सुनाया। यह दृष्टांत किसका है? भले समारी का है। आपने सुना होगा, चर्च में सुना होगा, मम्मी पापा ने बताया होगा। तो एक दिन एक वकील प्रभु के पास आया। उसने प्रभु येसु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? तब प्रभु येसु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीखो जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों में पकड़ा गया। डाकुओं ने उसको अटैक किया और डाकुओं ने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर क्या किए? चले गए, वहाँ से भाग गए। और संयोग से एक याजक उसी रास्ते से जा रहा था। उसने उस घायल मनुष्य को देखा और कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहाँ एक लेवी आया और उस घायल व्यक्ति को देखकर चला गया। तो बच्चों, वो लेवी भी वहाँ से उसको देखकर कतरा कर चला गया। इसके बाद वहाँ एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस आया कि वह पीड़ा में है। वह घायल व्यक्ति के पास क्या गया? वह घायल व्यक्ति के पास गया और उसने उसके घावों पर क्या किया? तेल और अंगूरी डालकर उसकी सफाई की, पट्टी बांधी। तब वह उसे अपने ही सवारी पर बैठाकर एक घर में ले गया, एक सराय में ले गया और उसने उसकी सेवा की, शुश्रूषा की। और दूसरे दिन उस समारी ने 200 रुपये निकाल कर उस सराय के मालिक को भी दे दिया और उससे कहा, आप इसकी सेवा करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते वक्त आपको चुका दूंगा। और दृष्टांत सुनाने के बाद प्रभु येसु ने उस वकील से पूछा, अब तुम्हारी राय क्या है? उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथ पकड़े हुए उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? मतलब उस जो डाकू लोग यात्री को घायल किए थे, उसका पड़ोसी अभी कौन निकला? हाँ, उसने वो समारी जिसने उसकी मदद की। तब प्रभु येसु ने कहा, उन लोग से पूछा कि उनमें से अभी कौन पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, जिसने उस पर दया की, जिसने उस पर करुणा की और जिसने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई और उसकी सेवा की। तब प्रभु येसु उससे बोले, वो वकील से बोले, जो हम बाइबल से पढ़ते हैं, संत लुकस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 37 में हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 111। उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। मतलब उस वकील को अभी बोले कि जाओ तुम भी ऐसा ही करो। तो घायल यात्री को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, लेकिन यहूदी याजक तथा लेवी जो उसके पास से गुजरे अवश्य जानते थे कि घायल व्यक्ति को उनकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। केवल समारी व्यक्ति ही उसकी मदद के लिए आगे आया, क्योंकि उसी ने घायल व्यक्ति को अपना भाई माना। और
यहूदी समारियों को पसंद नहीं करते थे, वे उन्हें अछूत मानते थे। वे समारियों को यरूशलेम के मंदिर में घुसने तक नहीं देते थे। तो इस कहानी के द्वारा प्रभु यीशु हमें यही बताना चाहते हैं कि हम दूसरों को जाति के आधार पर अलग ना करें, जाति के आधार पर सेवा ना करें। और हम देखते हैं कि आज भी हमारे गांव में, विद्यालय में बहुत से लोग अछूत मानते हैं और लोग अछूत समझे जाते हैं, उन्हें दूसरों की मदद की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम जात पात का भेदभाव मिटाकर सबकी क्या करें, मदद करें। सब मानव एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं, सब लोग हमारे क्या हैं, भाई और बहन हैं। और यही भावना हम में मजबूत रहे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जात पात ना देखकर सबकी सेवा करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए और सबको अपना भाई बहन मानना है। तो बच्चों, आज हमें संकल्प लेने की ज़रूरत है कि केवल मेरे दोस्त लोग ही नहीं, किंतु सभी जाति और धर्म मेरे पड़ोसी हैं। मेरे पड़ोसी वे हैं जिन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। मैं अपने पड़ोसियों को प्यार करूँगा, प्यार करूँगी, उनकी ज़रूरतों में खुशी से उनकी मदद करूँगी। जो भी हम मदद कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना है, हमें खुशी के साथ, खुशी से दूसरों की मदद करना है। और आज हमें ये संकल्प लेना है और हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है कि अपने आप से पूछिए कि मेरा पड़ोसी कौन है। मेरा पड़ोसी जो दुख तकलीफ में पड़े हैं, वही मेरा पड़ोसी है। और कोई एक उपाय हमें लिखना है जिसमें आप अपने पड़ोसियों की मदद करेंगे और वो भी खुशी से। तो बच्चों, आप लोगों के लिए प्रश्नावली दिया गया है, तो आप लोग कृपया अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, डाकुओंग ने यात्री के साथ क्या किया? डाकुओंग ने यात्री के साथ क्या किया? तो इसका उत्तर है, डाकुओंग ने यात्री से लूटपाट किया, घायल और अधमरा छोड़कर चले गए। दूसरा है, घायल यात्री के साथ यहूदी याजक व लेवी ने क्या किया? घायल यात्री के साथ यहूदी याजक व लेवी ने क्या किया? इसका उत्तर है, घायल यात्री के साथ यहूदी याजक व लेवी उन्हें देखकर कतराकर चले गए। तीसरा है, भले समारी ने यात्री के साथ क्या किया? भले समारी ने यात्री के साथ क्या किया? इसका उत्तर है, भले समारी घायल यात्री को देखकर उस पर तरस आया व घायल व्यक्ति के पास गया और उसने घावों पर तेल और अंगूरी डालकर उस पर पट्टी बांधी और उसने उसकी सेवा की। और चौथा है, आप भले समारी के दृष्टांत से क्या सीखते हैं? आप भले समारी के दृष्टांत से क्या सीखते हैं? तो इसका उत्तर है, भले समारी के दृष्टांत से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम ज़रूरतमंदों की सेवा तथा उनकी सहायता करें। पांचवा और आखिरी प्रश्न है, आप किस तरह अपने साथियों की मदद कर सकते हैं? आप किस तरह अपने साथियों की मदद कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, उनकी ज़रूरतों में साथ देकर, दुख कष्ट के समय में आश्वासन देकर, मुश्किलों की घड़ी में साथ रहकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए और एक बाइबल का वाक्य है, याद कीजिएगा। तो आप लोग ले लीजिए पेज नंबर 337।
संत योहन का पहला पत्र से अध्याय एक अध्याय तीन वचन संख्या 18 में। बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुंह से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। तो ये आप लोगों को याद करना है बाइबल का वाक्य। तो अगला है विचार विमर्श करने के लिए। तो आप लोग अपने परिवार में माता पिता के साथ और अपने भाई बहनों के साथ ये सब विचार विमर्श कर सकते हैं। तो पहला है, खेलते समय यदि आपकी माँ कुछ काम के लिए आपको बुलाए तो आप क्या करेंगे? और दूसरा है, स्कूल जाते समय यदि आप किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करते हुए देखेंगे तो आप क्या करेंगे? और तीसरा है, आपकी कक्षा में आपका पड़ोसी कौन है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो ये आप लोगों को विचार विमर्श करना है और जो भी कार्य इसमें है आप लोग कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा जो अध्याय 15 यहीं से समाप्त होता है। मैं आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो हमने वीडियो के द्वारा आप लोगों के लिए क्लास लिया, आप लोग बड़ी धैर्य के साथ, बड़ी पेशेंस के साथ क्लास में हमारा साथ दिया, इसलिए मैं आप लोगों को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर आपकी मदद करें, सहायता करें, धन्यवाद। तो आइए हम अपना क्लास अंत करने के लिए एक पल के लिए अपनी आँखों को बंद करें और हाथ को जोड़ें। तो हम एक गाने के द्वारा ये क्लास अंत करेंगे। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने, चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने, चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने, क्रिस्त की ज्योति जलती है मुझ में भटके हुओं को राह दिखाने, क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, त्रिशितों की प्यास बुझाने, चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। तो सबों को धन्यवाद। जय यीशु।